अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको टी बनाना सिखाऊंगी। ये टी बहुत अच्छी है। अक्सर लोग तो दो तीन चीज़ों से बना लेते हैं, लेकिन मैं आज ये स्पेशल टी बनाने लगी हूँ। मेरे पापा को ये बहुत टी पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। चलो आप बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे वो बता दो। पहले चाहिए होगा हमें टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी, सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी, टी यानी पत्ती, सौंफ, फेनल सीड्स, पानी, मैंने ये थोड़ा सा पानी ले लेना है, दूध, अब अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। चलाएं बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अब मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले पैन के अंदर पानी डालेंगे, अभी इसे बॉईल करेंगे थोड़ी सी देर के लिए। पानी बॉईल हो चुका है, मैं इसमें अंदर इंग्रीडियंट डाल दूंगी। और हाँ व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि ये डायबिटिक्स के पेशेंट्स के लिए और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी है। अभी मैं पहले सिर्फ और सिर्फ सौंफ और टी डाल रही हूँ। पहले मैं इन्हें ही डालूंगी, बाद में उन दोनों को डालूंगी। इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल ग्रीन टी की तरह लग रहा है, लेकिन हमें जब इसमें दूध डाल देंगे तो ये टी बन जाएगी। तो अब मैं इसमें हल्दी और दालचीनी भी डाल दूंगी। हल्दी आपकी चाय को बहुत अच्छा बनाती है और आपकी चाय बहुत अच्छी और एक्सीलेंट बनती है। चलिए ये हो चुका है, अब इसे मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। दूध लिया हुआ था, मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टी बन रही है और ये बहुत ही यम्मी होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी घर पे बनाएंगे और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी चाय की रेसिपी कैसी लगी। तब इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। बच चुकी है हमारी चाय, इसे उबाल भी आ चुका है। अब हम इसे उतार के सर्व करेंगे। डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी मैंने पिस्ता और साथ में मैंने बादाम को क्रश कर लिया। और आप इस पर बिल्कुल भी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली, क्योंकि मेरे बाबा को शुगर नहीं अच्छी लगती, तो मैंने इस वजह से इसमें शुगर नहीं डाली। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको ये टी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।